अब थोड़ा ये भी जाने कि चुनाव और उसके बीच के संबंध तो हैं लोकतंत्र में, पर क्या जो चुनाव है वो वास्तव में लोकतांत्रिक है? दूसरे शब्दों में, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो चुनाव को लोकतांत्रिक बनाती हैं? किस चुनाव को हम लोकतांत्रिक कहेंगे और लोकतांत्रिक चुनाव के मायने क्या हैं? किन्हें हम लोकतांत्रिक चुनाव कहेंगे? लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक दोनों प्रकार के चुनाव दुनिया भर में होते हैं। यद्यपि गैर लोकतांत्रिक चुनाव को भी लोकतंत्र का जामा पहना दिया जाता है, लेकिन वास्तव में ऐसे देशों में जहां पर चुनाव गैर लोकतांत्रिक तरीके से हो रहे हों, वे लोकतांत्रिक प्रक्रिया से वास्तव में कोसों दूर हैं। तो हम किन चुनावों को लोकतांत्रिक कहेंगे? यदि किसी चुनाव को लोकतांत्रिक वास्तव में रहना है तो किन नियमों का पालन जरूरी है? दूसरे शब्दों में, चुनावों को लोकतांत्रिक बनाने के लिए मूलभूत नियम क्या क्या हैं? यदि मुझे अपने स्कूल में चुनाव करवाने हैं और लोकतांत्रिक चुनाव करवाने हैं तो किन बातों का मुझे पालन करना होगा ताकि ये जो चुनाव है वह वास्तव में लोकतांत्रिक हो, गैर लोकतांत्रिक ना हो? गैर लोकतांत्रिक के मायने हम आगे समझेंगे। दिखने को तो या कहने को तो लोकतांत्रिक, लेकिन सच्चाई से कोसों दूर। तो यहाँ हम पहले थोड़ा समझ लें कि कौन से ऐसी आधारभूत बातें, आधारभूत सिद्धांत या आधारभूत नियम होते हैं जो एक चुनाव को वास्तव में लोकतांत्रिक चुनाव कहलाने की पात्रता देते हैं, कहलाने की महसूस कराते हैं। पहला, सच्चा लोकतांत्रिक चुनाव वो जहां सभी वयस्क लोगों को मत देने का अधिकार हो। सभी वयस्क, दो बातें हैं, सभी लोगों को अर्थात लिंग, धर्म, जाति, अमीर गरीबी, शिक्षा शिक्षा, इनसे परे सभी, और वयस्क लोगों को अर्थात वे सभी लोग जो उस देश की परिभाषा में वयस्क की श्रेणी में आते हों, जैसे भारत, भारत में वयस्क मतलब 18 वर्ष जिन्होंने छू लिया हो, 18 वर्ष जिन्होंने पूरा कर लिया हो, वे वयस्क हैं। जो भी व्यक्ति किसी भी वर्ग का, समाज के किसी भी तबके का, किसी भी धर्म, लिंग, जाति, आर्थिक स्थिति, शैक्षणिक स्थिति जैसी भी हो, यदि वो 18 का है तो उसे मत का अधिकार है, और यदि ऐसा है तो वह चुनाव लोकतांत्रिक होगा, अन्यथा नहीं। तो ये दो शब्द बड़े महत्वपूर्ण हैं, सभी और वयस्क। ऐसा ना हो कि कुछ वयस्कों को छोड़ दिया जाता होगा किसी अन्य आधार पर, विकलांगता के आधार पर, शिक्षा के आधार पर, आर्थिक स्थिति के आधार पर। यदि ऐसा किया जा रहा है तो फिर लोकतांत्रिक नहीं है, अन्यथा वो लोकतांत्रिक। दूसरा नियम जो चुनाव को वास्तव में लोकतांत्रिक बनाए वह है, एक व्यक्ति, एक मत और एक मूल्य, वन वोट, वन पर्सन, वन वोट एंड वन वैल्यू। एक व्यक्ति, एक मत, एक वोट, क्या मायने? हर व्यक्ति को समान वोट देने का अधिकार है। ऐसा नहीं कि कोई गरीब है तो उसको
एक वोट देने का अधिकार, और कोई अमीर है तो उसे दो वोट देने का अधिकार, और कोई और बहुत उच्च श्रेणी का अमीर है तो उसे पांच वोट देने का अधिकार। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में ऐसा नहीं होता। ऐसे ही वोटों की वैल्यू भी बराबर हो। वैल्यू के मायने क्या, कि वही कि उनकी जो वोटों की जो स्थिति को बराबरी में मापा जाए, बहुत महत्वपूर्ण है। इसको और स्पष्ट करेंगे जब हम राज्यसभा का चुनाव या राष्ट्रपति के चुनाव का अध्ययन करेंगे, तो आपको स्पष्ट होगा कि एक वोट होते हुए भी वोट की वैल्यू बदल सकती है। तो फिलहाल आप ये याद रखें कि सच्ची लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव लोकतांत्रिक हों, इसके लिए ज़रूरी है कि एक व्यक्ति, एक मत और एक वैल्यू हो, एक मूल्य हो। तीसरा नियम, चुनाव में हजारों उम्मीदवार होंगे पूरे देश में, चुनाव में पूरे देश के की जनसंख्या की वयस्क संख्या जो 50, 60, 70, 80 करोड़ हो सकती है भारत जैसे संदर्भ में, वे मतदान करेंगे, मताधिकार का उपयोग करेंगे। इतने बड़े स्तर पे जो चुनाव है, ये चुनाव ठीक तरीके से होएं, संवैधानिक प्रावधानों का, नियमों का पालन करते हुए होएं, ये सुनिश्चित करने के लिए ज़रूरी है कि एक ऐसी मशीनरी हो, एक ऐसी संस्था हो, एक ऐसी व्यवस्था हो जो इन चुनावों को का संचालन सुरुचिपूर्ण तरीके से कर सके, निष्पक्ष तरीके से कर सके, किसी के दबाव में ना रहे। सरकार किसी एक दल की है। जब चुनाव होते हैं उस समय सरकार भंग रहती है, लेकिन सरकार का प्रभाव तो रहता ही है। कल्पना करिए ऐसी स्थिति में चुनाव के अधिकारियों पर सरकार का परोक्ष रूप से दबाव पड़ रहा हो, मतदाताओं के ऊपर, अधिकारियों के ऊपर या काउंटिंग में आदि। ऐसी स्थिति में चुनाव निष्पक्ष नहीं होंगे, इसलिए स्वतंत्र चुनाव, निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए एक स्वतंत्र आयोग होना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर हम विस्तार से आगे पढ़ेंगे। फिलहाल आप ये समझ लें कि स्वतंत्र आयोग होना चुनाव को लोकतांत्रिक बनाने के लिए बहुत जरूरी है। चौथा बिंदु, ये चुनाव जो हैं, चुनाव नियमित हों, यानी काल पूर्ण होने पर चुनाव होना चाहिए। चुनाव कोई ऐसा नहीं कि जब इच्छा हुई तब चुनाव कराए। उदाहरण के लिए हमारे लोकसभा की यदि हम बात करें, संसदीय प्रणाली की, हमने हमारे देश में संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था है। उस संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में संसद सबसे महत्वपूर्ण है। एक होता है अध्यक्षीय लोकतांत्रिक व्यवस्था, जिसमें राष्ट्रपति अध्यक्ष होता है और संसद उस हद तक गौण रहती है। जैसे अमेरिका में, वहाँ भी लोकतंत्र है पर वो अध्यक्षीय प्रणाली है। भारत में संसदीय प्रणाली है। श्रीलंका की यदि बात करें तो वहाँ पर अर्ध अध्यक्षीय प्रणाली है। ये सब अलग अलग लोकतंत्र की अलग अलग प्रणालियाँ हैं। भारत में संसद है, और यदि संसद की बात करें तो संसद का काल होता है 5 वर्ष। संसद के 2 सदन होते हैं। जब हम संसद कहते हैं तो वास्तव में संसद के 2 अंग हैं। पहला तो राष्ट्रपति और दूसरा है संसद। ये हमारे संसद के 2 अंग हुए। अब संसद जो है उसके स्वयं के 2 अंग हैं, एक है लोकसभा,
दूसरा है राज्यसभा। इन दोनों सभाओं का अपना अपना निश्चित काल है। लोकसभा के सदस्य 5 वर्ष के लिए सदस्य चुने जाते हैं और राज्यसभा के सदस्य 6 वर्ष के लिए सदस्य चुने जाते हैं, यानी इनका कार्यकाल 5 वर्ष का और 6 वर्ष का क्रमशः होता है। दूसरे शब्दों में लोकतांत्रिक व्यवस्था सच्ची तभी कहलाएगी जब लोकसभा का चुनाव हर 5 वर्ष में हो, राज्यसभा का चुनाव हर 6 वर्ष में हो जाए। राज्यसभा के चुनाव की प्रक्रिया के कुछ अलग तरीके हैं, उस पर हम बात करेंगे। फिलहाल हम केंद्रित करते हैं अपना ध्यान लोकसभा पर, और हर 5 साल में चुनाव अवश्य हों। ऐसा ना हो कि एक बार चुनने के बाद जो सत्ता, जिस सरकार, जिस दल की सत्ता हुई या सरकार बनी, वह 5 वर्ष के कार्यकाल पूरा होने के बाद चुनाव नहीं करा रही है और 10 साल 15 साल तक बिना चुनाव कराए वह सत्ता पर बैठी हुई, सत्ता की कुर्सी पकड़ी हुई है। ऐसी स्थिति में सच्चा लोकतंत्र नहीं कहलाएगा, क्योंकि चुनाव जब हुआ तो जनता ने प्रतिनिधियों को 5 साल के लिए चुना। जिस दिन 5 साल पूरा होता है प्रतिनिधि स्वयं अपने आप हट जाएं और नए प्रतिनिधियों का चयन होए, उन्हें नया कार्यकाल मिलेगा। ये लोकतंत्र है। तो दूसरे शब्दों में चुनावों का आयोजन जो है वह नियमित रूप से होता रहे, रेगुलैरिटी हो। अगली बात जो चुनाव को लोकतांत्रिक बनाती है, अगला नियम वह है जब चुनाव हो तो एक से ज़्यादा लोग होंगे तभी तो चुनाव होगा ना, उनके बीच में हम चुनाव करेंगे। यदि उम्मीदवार एक ही है तो चुनाव वाली बात ही नहीं, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। जब विकल्प नहीं है तो फिर क्या चुनाव। ऐसी स्थिति में अपने पसंद का प्रतिनिधि तो चुन ही नहीं सकते क्योंकि एक ही व्यक्ति खड़ा हुआ है। दूसरे शब्दों में एक सच्चा लोकतांत्रिक चुनाव वो है जहां एक से ज़्यादा उम्मीदवार हों, एक से ज़्यादा विकल्प हों और मतदाता को ये छूट हो कि वह अपनी पसंद का प्रतिनिधि चुन सके। विकल्प होना जरूरी है, ऑप्शंस होने जरूरी हैं। ये विकल्प ही चुनाव को लोकतांत्रिक बनाने में अहम भूमिका निभाता है। और अंतिम बात जो चुनाव को लोकतांत्रिक बना सकती है वह है कि प्रतिनिधि अंततः किसे घोषित किया जाए। एक क्षेत्र से 10 लोग चुनाव के लिए खड़े हुए, सभी वयस्कों को मत देने का अधिकार था, लोगों ने मत दिया, सभी के मतों के मूल्य एक था, सबको एक एक मत मिले थे, दिए गए थे। चुनाव आयोग जो एक स्वतंत्र संस्था है उसने चुनाव कराया। 5 वर्ष के कार्यकाल पूरा होने के बाद जो चुनाव हो रहा था, इसलिए चुनाव का नियमित आयोजन भी हो रहा था। चुनाव में जनता के सामने विकल्प भी थे क्योंकि 10 लोग खड़े हुए थे चुनाव में, 10 अलग अलग विचार के लोग खड़े हुए थे, तो हमारे पास एक चॉइस भी थी। लेकिन जिसको सबसे ज्यादा मत मिले उसे प्रतिनिधि नहीं चुना गया, बल्कि जिसे दूसरे नंबर पे या तीसरे नंबर पे जो था, मतों की संख्या के मामले में सरकार ने या चुनाव आयोग ने उसे प्रतिनिधि घोषित किया। ऐसी स्थिति में ये चुनाव भले ही वो बाकी ऊपर की पात्रता पूरी करता हो, अंतिम पात्रता पूरी न करने के कारण ऐसा चुनाव लोकतांत्रिक चुनाव नहीं कहलाएगा। अर्थात अंतिम महत्वपूर्ण बात जो लोकतांत्रिक बनाती है चुनाव को वो है लोगों द्वारा पसंद किए जाने वाले उम्मीदवार को ही चुना जाना चाहिए। सर्वाधिक लोगों द्वारा
पसंद किए जाने वाले उम्मीदवार को ही चुना जाना चाहिए, अर्थात जिसे सबसे ज्यादा मत मिला है उसे ही प्रतिनिधि बनाया जाना चाहिए। लोकतंत्र में ही स्वतंत्र चुनाव हो सकता है, लोकतंत्र में ही निष्पक्ष चुनाव हो सकता है। चुनाव अलोकतांत्रिक या तानाशाही व्यवस्था में भी होते हैं, लेकिन बात कुछ और रहती है। मैं दोहरा दूं, चुनाव जो हैं वो अलोकतांत्रिक और तानाशाही व्यवस्था में भी होते हैं। अलोकतांत्रिक व्यवस्था कैसी कहलाएगी? जिसमें एक ही दल हो और किसी दूसरे दल को चुनाव में भाग लेने का अधिकार ही ना दिया जा रहा हो, तो ऐसी स्थिति में उम्मीदवार भी एक ही होगा, तो ये अलोकतांत्रिक है। तो अलोकतांत्रिक व्यवस्था में सिर्फ एक ही दल प्रभावी होता है। इसके साथ ही अलोकतांत्रिक व्यवस्था वो भी होगी जहाँ पर मतदाताओं पर दबाव हो, मतदाताओं पर धमकी हो, मतदाताओं को भ्रष्टाचार के तरीके से अपनी ओर खरीदने की कोशिश की जा रही हो। अलोकतांत्रिक व्यवस्था वो भी है जहाँ पर स्वतंत्र आयोग जो है, जो चुनाव कराता है, वो वास्तव में स्वतंत्र नहीं है, दबाव में है। चुनाव कराने वाली जो संस्था है उसमें कार्य करने वाले कर्मचारियों को सदैव भय है कि यदि चुनाव सरकार के पक्ष में नहीं आए तो कहीं उनका ट्रांसफ़र ना हो जाए, कहीं उनके साथ उनको जेल में ना डाल दिया जाए, उन्हें अपराधी ना बना दिया जाए, आदि। यदि ऐसे भय में ये काम करेंगे तो क्या वास्तव में लोकतांत्रिक व्यवस्था आएगी? नहीं। तो ये जरूरी है कि वे स्वतंत्र हों, इन लोगों के दबाव से स्वतंत्र हों। अब कैसे स्वतंत्र रहते हैं, कैसे इन्हें स्वतंत्र रखा जा सकता है, इसको हम आगे समझेंगे। पर बहुत जगह चुनाव आयोग जो है वो दबाव में काम करती है, वो अलोकतांत्रिक है। अलोकतांत्रिक व्यवस्था में कई बार देखा गया चुनाव की कोई अवधि नहीं, एक बार चुनाव हुआ उसके बाद 10-15 वर्षों तक चुनाव नहीं हुए, कोई अवधि नहीं रही। ऐसा चुनाव भी अलोकतांत्रिक है। जब सत्ता को लगे कि जीत की हवा हमारे पक्ष में है उस समय चुनाव कराए, ये नाजायज है, ये गैर लोकतांत्रिक है, ये अलोकतांत्रिक है। चाहे हवा में हवा का रुख सत्ता पक्ष की ओर हो या उसके उल्टे हो, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में निश्चित काल के बाद चुनाव कराना जरूरी है, निश्चित अवधि होती है, उस अवधि के उपरांत चुनाव कराने जाने चाहिए, अन्यथा यह अलोकतांत्रिक है। ऐसे ही अलोकतांत्रिक व्यवस्था में मताधिकार का अधिकार भी प्रभावित किया जाता है, मताधिकार का अधिभार भी भेदभावपूर्ण होता है। किसी न किसी कारणों से बहुत से वयस्क लोगों को मत देने का अधिकार से वंचित कर दिया जाता है। कुछ ऐसी बातें की जाती हैं जिससे बहुत से वयस्क लोग अपने मत डालने से वंचित हो जाते हैं, वंचित कर दिए जाते हैं, वंचित हो जाते हैं। चुनावी व्यवस्था इतनी कॉम्प्लेक्स कर देते हैं कि सामान्य अशिक्षित आदमी इस व्यवस्था को समझ नहीं पाता और मत नहीं डाल पाता। ये चुनाव भी अलोकतांत्रिक ही कहलाएगा, क्योंकि उसमें मताधिकार को लेकर भेदभाव होता है। इसके खिलाफ एक लोकतांत्रिक देश चुनाव को लेकर कुछ आधारभूत नियम बनाता है। उस देश के संविधान में चुनाव के लिए कुछ नियम लिखे जाते हैं, इसलिए ताकि ऊपर जो मैंने अभी आपको बातें बताई जो चुनाव को अलोकतांत्रिक बनाती हैं, ऐसा ना हो। भारत के संदर्भ में ये सुनिश्चित करने के लिए कि भारत के सभी चुनाव लोकतांत्रिक हों, हमारे यहाँ संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं, कुछ मूलभूत नियम बनाए गए हैं और इस संबंध में विस्तृत कानून नियम बनाने का काम
सरकार के पहले अंग पर छोड़ दिया गया है, जिसे विधायिका कहते हैं। मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहूँगा कि जब हम सरकार शब्द कहते हैं, गवर्नमेंट, तो उसके तीन अंग होते हैं, तीन अवयव होते हैं। यदि हम सरकार को एक शरीर माने, तो एक ऐसा शरीर जिसके तीन भाग हैं। पहला कहलाता है विधायिका, जिसका काम है कानून बनाना। दूसरा अंग है कार्यपालिका, जिसका काम है विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करना, विधायिका द्वारा दिए गए योजनाओं का क्रियान्वयन करना। यह है कार्यपालिका। और तीसरा भाग है न्यायपालिका। न्यायपालिका सरकार का वह अंग है जो तीसरा है, और उसका काम है ये देखना कि विधायिका अपना काम कानून के अनुसार कर रही है कि नहीं, संविधान के अनुसार कर रही है कि नहीं, कार्यपालिका अपना कार्य दायरे में रहते हुए कर रही है कि नहीं, अर्थात कानूनी पक्ष को, न्याय के पक्ष को देखने का काम न्यायपालिका करती है। तो ये तीन अंग हैं। मैं बात कर रहा हूँ विधायिका की। लोकतांत्रिक देश में चुनाव संबंधी नियमों को बनाने का काम विधायिका पर छोड़ दिया जाता है। और विधायिका किन से बनती है? संसद से। संसद में कौन बैठते हैं? जनता के प्रतिनिधि, क्योंकि जनता तो बैठ नहीं सकती, इसीलिए अप्रत्यक्ष चुनाव के तहत जनता अपने प्रतिनिधियों को बैठाती है, और ये प्रतिनिधि कानून बनाते हैं, कुछ मूलभूत कानून चुनाव के नियमों को गवर्न करने के लिए। तो इस संबंध में ये बात स्पष्ट है कि नियम कानून संबंधी बनाने का काम विधायिका पर छोड़ दिया है। ये जो मूलभूत नियम की जो मैं बात कर रहा हूँ, ये हमें क्या बताते हैं? मूलभूत नियमों से हमारा क्या तात्पर्य है, क्या बताते हैं हमें? तो फिर विधायिका किन मूलभूत नियमों, मूलभूत बातों को ध्यान में रखते हुए कानून बनाती है जिनका संबंध चुनाव से है? पहला, ये मूलभूत नियम जो हैं, सामान्यतः हमें ये बताते हैं कौन मत देने के योग्य है, अर्थात योग्य देने की पात्रता किन्हें, मत देने की पात्रता किन्हें, किन में योग्यता है, ये पहला बिंदु। दूसरा मूलभूत नियम, उसका संबंध होता है चुनाव लड़ने के योग्य कौन है, मत देने के योग्य कौन है, मत डालने के योग्य कौन है, और जिसे मत देना है उसकी क्या योग्यता होनी चाहिए, कौन लोग योग्य हैं चुनाव की उम्मीदवारी के लिए, यह निर्धारित करना, यह भी मूलभूत नियम होता है। तीसरा, चुनाव की देखरेख कौन करेगा, इस बात को स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। इससे पहले जो मैंने बातें की उसमें इन बिंदुओं को लेकर कुछ चिंताएं भी थीं कि ऐसी स्थिति में यदि इन बिंदुओं पर ध्यान न दिया जाए तो चुनाव गैर लोकतांत्रिक हो जाता है, अलोकतांत्रिक हो जाता है। कहने को वो लोकतांत्रिक होगा पर वास्तव में अलोकतांत्रिक चुनाव ऐसा हो जाएगा यदि चुनाव की देखरेख करने वाली संस्था स्वतंत्र और निष्पक्ष न हो। दूसरे शब्दों में कि विधायिका जब नियम बनाती है संविधान में, या संविधान में जो प्रावधान किए गए हैं उसमें मूलभूत जो नियम है वो सामान्यतः ये भी बताएगा कि चुनाव किसकी देखरेख में होगा, उसका प्रावधान संविधान में होना जरूरी है। चौथा,
उम्मीदवार की योग्यता तय हो गई, मतदाता की योग्यता तय हो गई, चुनाव कराने वाली संस्था के बारे में बात हो गई। अब अगली बात जो आती है कि मतदाता अपना प्रतिनिधि कैसे चुनेगा, क्या प्रक्रिया होगी, कैसे चुनेगा, चुनने का तरीका क्या होगा, क्या प्रतिनिधि के घर सब लोग इकट्ठे हो जाएं और जिसके घर सबसे ज़्यादा इकट्ठे हुए वो प्रतिनिधि, या अपने अपने घर से सेल फोन से व्हाट्सएप में मैसेज भेज दिया हमारा प्रतिनिधि ये होगा, जिसकी काउंटिंग में जिसका सबसे ज़्यादा निकला वह प्रतिनिधि, या कुछ और तरीका, कागज़ से होगा या मशीन से होगा या और अन्य संचार माध्यमों से होगा, कैसे होगा। तो मतदाता अपना प्रतिनिधि कैसे चुनेगा इसको लेकर भी कुछ आधारभूत नियम लोकतांत्रिक देश के संविधान में बनाए जाते हैं। अगला, मत यदि डल गए तो मतों की गिनती कैसे होगी, कौन गिनती करेगा। लाखों लोग मत डालेंगे और भारत जैसे देश में जहां की जनसंख्या 133 करोड़ है, लगभग 60 करोड़ लोग मतदान करते हैं। यदि इन 60 करोड़ लोगों के वोटों की गिनती कैसे होगी, कहाँ होगी, आदि आदि कितने दिन लग जाएंगे, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। तो इसका निराकरण भी बहुत ज़रूरी है और ये सुनिश्चित करना ज़रूरी है कि इस बात को लेकर मतगणना कैसे होगी और प्रतिनिधि का चुनाव कैसे होगा, इसका संवैधानिक प्रावधान कर लिया जाता है लोकतांत्रिक चुनावी प्रक्रिया में। जो भी देश अपने को सच्चा लोकतंत्र कहता है वह देश अपने संविधान में इन बिंदुओं को लेकर प्रावधान कर देता है, और जिसमें अंतिम बिंदु यह है कि मतगणना कैसे होगी और प्रतिनिधियों का चुनाव कैसे होगा, इसको लेकर कुछ आधारभूत नियम बन गए हों और संविधान में उसे इंसर्ट कर दिया गया हो। अन्य लोकतांत्रिक संविधानों की तरह भारत का संविधान भी इन प्रश्नों का उत्तर देता है। विश्व के बहुत सारे देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था आ गई है और उसके कारण है, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था का संबंध जनता से है सीधा। लेकिन इतना ही नहीं, इसके अलावा लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता को अपने विकास का पूरा अवसर मिलता है, इसलिए भी लोकतांत्रिक व्यवस्था इतनी पॉपुलर हुई है। दुनिया के बहुत से देशों में आ गई तो दुनिया के बहुत से देशों में संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं इन सब मूलभूत नियमों को लेकर, जिनका जिक्र मैंने अभी किया, और उन प्रावधानों के तहत थोड़ा 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 अंतर भी यदि आया है तो यही अंतर जो है लोकतंत्र के प्रकारों की ओर इशारा करता है। हैं तो सभी लोकतंत्र पर उसके अलग अलग शेड हैं, भारत भी उसमें अछूता नहीं है। भारत का लोकतंत्र भी एक अपने तरीके से लोकतंत्र होते हुए भी यूनिक है, लेकिन यूनिक होने खोते हुए भी भारत का संविधान जिन मूलभूत नियमों की मैंने बात की है उन प्रश्नों का उत्तर देता है। अर्थात संविधान में कुछ मूलभूत नियमों की संवैधानिक व्यवस्था कर ली गई है। जो चुनाव होते हैं उनका लक्ष्य यही रहता है कि एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो, एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। जितने अभी प्रश्न उठे मूलभूत नियमों को लेकर उसमें ये मान गए होंगे कि एक ही लक्ष्य,
जिसे लोकतांत्रिक चुनाव कहा जा सकता है, और ये लोकतांत्रिक चुनाव के तहत ये बात स्पष्ट है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा उत्तर इसके मिलते हैं।